मुझे शौक है इसके लिए, लेकिन मुझे सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि अभी जो बीफ बैन के बारे में या हिजाब बैन के बारे में, ये जो मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेप्स दैट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये तो मैं एक मुसलमान हूँ, अब मुझे जीवन जान बचाने के लिए स्ट्रीट पे निकलना पड़ती है, तो आई एम अ स्टूडेंट, मुझे कॉलेज नहीं जा पा रही है, क्योंकि हर दिन मेरे एक या दूसरे दोस्तों का घर या उसका फैमिली में टॉर्चर हो रही है, जिस वजह से कि वो एक मुसलमान है, बस इसकी कारण से, तो वो विकास की बात में कर रहे हैं, तो कहाँ है मेरा विकास। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, और यहाँ पर जिस तरीके से आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज कर दिया गया और उसको जाने किस किस चीज़ों से जोड़ा गया, जेएनयू से जोड़ा गया और बताया गया सरजील इमाम के साथ भी जो है उसके साथ भी जोड़ा गया, लगातार ऐसे ही मुद्दे जो है टारगेट करते हुए मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, और उसी पे जो आज है या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, तो अभी हमारे साथ हैं यहीं पर, क्या नाम है आपका? लदीदा फरजाना। तो क्या कुछ रहा यहाँ पर इस वार्ता में, आप लोगों को क्यों यहाँ पर आना पड़ा, आफरीन फातिमा जो जावेद की बेटी हैं उनके लिए आप लोग यहाँ पर आए, क्या हुआ है? Actually, we know that what has been happening the past days in India, especially in UP, after the defamation of Prophet Muhammad, after the defamation of the Prophet, they were protesting after the Jumu'ah, like, protesting is the normal thing, that is the right of every citizen of India. So they were just doing the protest. So uske baad mein we can see that the UP government, वो मुस्लिम प्रोटेस्टों को टारगेट किया, एंड दे अरेस्टेड 200 मुस्लिम्स फ्रॉम द यूपी स्टेट इट्सेल्फ ओनली, एंड टू मुस्लिम यूथ हैज बीन किल्ड, मुदस्सिर एंड सहल, सो दे वर टीनेजर्स ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट वी सो दैट व्हाट हैपन टू अफरीन फातिम और जावेद भाई का फैमिली, वो अरेस्टेड जावेद भाई इन द मिड नाइट, एंड दे बुलडोज़र्ड द होम ऑफ जावेद भाई और अफरीन फातिमाज़ होम the day after that. So this, what is happening there is unconstitutional. So this should not be happen in India, and there were no evidence that Afreen or her family has been doing some unnational or anti-national thing or something. So this nothing has been proved, or nothing, there is nothing happened like that. So even though the UP government target and vilified Afreen Fatima and her family, and they just wanted to broke that family and broke that leader or Afreen Fatima as a leader, so that is why they were targeting Afreen Fatima. So ये नहीं करना चाहिए, लेकिन this should not happen in India. So because they were dehumanizing the Muslims by this, they don't want Muslims as a citizen of this country. So that is why we can say that this is like a state has been, UP government has been announced or declared war against the Muslims of India. मगर जिस तरीके से जावेद को अरेस्ट कर लिया गया मिडनाइट में और बताया गया हिंसा में जो है शामिल थे, मगर आफरीन फातिमा जो है वो बताती है, कितने चैनल्स पे आती है, कहती है कि 20 साल से वो हाउस टैक्स दे रही थी, मगर उसके बावजूद भी जो है उनके चला दिया गया बुलडोज़र, अगर अवैध था तो टैक्स नहीं लेना चाहिए था, ऐसा भी बोला जा रहा है। एग्जैक्टली आफरीन फातिमा वाज़ सेइंग इन अदर इंटरव्यू लाइक they were paying tax for 20 years and nothing illegally there, even though, but now we can see that now UP government has been targeting the protesters. Even before that, UP government, they're bulldozing the Muslim homes, normal Muslim homes. We saw that in different state of India. So now that is the strategy change hui, wo Muslim protesters ko target karna chahiye. So that is now happening in India. So that is why they targeting the Afreen Fatima. लगातार ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र जो है उस पर लगातार वार किया जा रहा है और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र मतलब
जस्टिस। हाँ, जो अभी बदलाव जो यूपी सरकार ने बोला है वो अभी कानून बन चुकी है, तो मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया है कि आरोपी की घर तोड़ कर सकते हैं। मुझे एक पॉलिटिकल साइंस में किसी ने भी बताया कि अभी ये कानून हो रही है वो ही है एंटी नेशनल, वो मेरे नेशन की कानून यही नहीं है। तो जो सरकार अभी कर रही है जिस कानून नाम से कर रही है वही है एंटी नेशनल, तो इसके खिलाफ हमें फाइट करना है। तो इसीलिए हमें लगातार जो है जुम्मे की नमाज पर जो है अब शिकंजा कसा जा रहा है कि जुम्मे की नमाज जो है उस दिन पे छुट्टी होगी। नुपुर शर्मा के वजह से इस तरीके का देश में होता है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, FIR होती है लेकिन अरेस्टिंग नहीं होती है, उसके बाद जो है जुम्मे की नमाज को एक टारगेट बना दिया जाता है। क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है कि एक के बाद एक, मतलब जुम्मे नमाज है ये हिजाब ही ऐसी सिंबल हो चुकी है कि चाहे आप आज कुछ ऑफेंस किसी हिजाबी लेडी या किसी मुसलमान की तरफ लगा जाती है, वो सभी मतलब दे आर रेडी टू एक्सेप्टेड। जो भी आप कॉन्स्पिरेसी बोलती है वो मीडिया सेलिब्रेट करती है, मतलब जो नो कोर्ट हो रही है, नो ट्रायल हो रही है, बिना ट्रायल के पहले ही जज, मतलब ये इट्स मेड श्योर दैट द मुस्लिम इज़ अ कल्प्रिट और वही है वायलेंट। वो इस बात को हमने तोड़ना है और इसके खिलाफ फाइट करना है। हमारे देश में कानून, न्याय, न्यायालय, जस्टिस सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है क्या देश? नहीं, मैं पहली बार नहीं है ये, मुझे शौक है इसके लिए, लेकिन मुझे सरप्राइज नहीं है क्योंकि अभी जो बीफ बैन के बारे में या हिजाब बैन के बारे में ये जो मतलब स्मॉल स्टेप्स दैट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये तो एक दिन पे नहीं किया है इसने, तो टाइम लगा कर इट वॉज़ बीन डन फ्रॉम 2014 जो बीजेपी सरकार ने आ गई है कब जब तक कर रही है। तो अब यही है कि उसको तो ब्लेटेंटली कर सकते, मतलब सुबह से, मतलब जो रात में कर रही थी वो दिन में कर रहे हैं, और जो अभी राइटर्स कर रही थी वो अभी स्टेट कर रही है। जो 2002 पे हमने देखा है घर मतलब डमोलिश किया है, लेकिन अभी जो बुलडोजर कर रहे हैं वो स्टेट ही कर रहे हैं, किसी और की मदद उसको नहीं चाहिए। इतनी मतलब इतनी ब्लेटेंटली वो जो इनजस्टिस हो रही है, एंड दे हैव मेड इनजस्टिस को कानून बनाती है वो लोग। भाजपा तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलो, दैट इज नॉनसेंस, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, अब मुझे जीवन जान बचाने के लिए स्ट्रीट पे निकलना पड़ती है, तो आई एम अ स्टूडेंट, मुझे कॉलेज नहीं जा पा रही है क्योंकि हर दिन मेरे एक या दूसरे दोस्तों का घर या उसका फैमिली में टॉर्चर हो रही है जिस वजह से कि वो एक मुसलमान है, बस इसके कारण से। तो वो विकास की बात में कर रहे हैं, तो कहाँ है मेरा विकास? तो जो मैं मुसलमान से उसका तरफ कुछ नहीं बोल रही और उसका जीवन के लिए कुछ नहीं कर रहे, नॉट जस्ट दैट, रैदर ही इज़ ट्राइंग टू इंटीमेट हेट्रेड, जो हेट्रेड का मुझे हिंदी नहीं आती है, तो जो हेट्रेड मेजोरिटी कम्युनिटी में वो देती है, और जो हेट्रेड स्पीचेस वगैरह जो नुपुर शर्मा ने किया है, बस वो सस्पेंड किया है, अरेस्ट नहीं हो चुकी है, वो पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस इनजस्टिस, इंस्टेड दैट टॉकिंग अबाउट द प्रोटेस्ट। जिन लोग उसकी जान के लिए रोड पर निकला है, जिन लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, उसकी घर के लिए, जो अफरीन के बात बारे में हुए है, कल मेरे बात नहीं होने के लिए ही स्ट्रीट में जा रही है, इसके मतलब इसके खिलाफ है स्ट्रीट, तो वो तो हमें नहीं चलना देंगे। शुक्रिया। अभी आपने देखा किस तरीके से हमने बात की, बहुत अलग अलग जगह से ये लोग आए हैं, लगातार जो टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम्स को, ख़ास तौर पे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, सब बताया जा रहा है, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसा हो जाती है, फिर पत्थरबाजी होती है, फिर टारगेट भी उन्हें ही किया जाता है, उन्हें ही उठा लिया जाता है, उन्हीं के ऊपर गोली चलती है, उन्हें ही अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर जुम्मे की नमाज़ को भी बदनाम कर दिया जाता है। लगातार इसी तरीके से जो है हमारे देश में बार बार एक के बाद एक मुद्दा
उठ रहा है। और अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता की गई उसी को लेकर के, जो उसके बाद जो है सब जगह आगजनी हो रही है, सब जगह इस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो है पत्थरबाजी हो रही है, जबकि दोनों पक्षों से की जा रही है लगातार, उसको बदनाम भी करा जा रहा है मुसलमानों को, और लगातार इसी तरीके से बोला जा रहा है। इसी के साथ आप देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली।